हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी दूध पीते हैं और अगर आप भी दूध के पैकेट्स खरीद रहे हैं इस पैंडमिक में यानी कि कोरोना टाइम में अपनी डेली नीड्स को पूरी करने के लिए, जैसे कि चाय पीने के लिए, दूध पीने के लिए, पनीर के लिए और वगैरह वगैरह, तो हो जाइए सावधान और बनाइए इसे वायरस फ्री, हेल्दी, सेफ और टेस्टी भी मेरे इन टिप्स को फॉलो करके। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपको दूध के पैकेट्स मिले उसे पानी में डाल दें। मैंने इस तरह से एक बकेट लिया है, उसमें पानी डालकर उसको डाल दिया है और अपने हाथों से मैं उसे क्लीन कर रही हूँ। आप चाहें तो ग्लव्स भी पहन सकते हैं ताकि इस पर जो भी डस्ट लगा हुआ है वो इस पानी में रह जाए इस तरह से। अब मैं इन दूध के पैकेट्स को और साफ़ करने के लिए यहाँ पे क्लींजर यूज़ कर रही हूँ। ये माइल्ड क्लींजर है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो माइल्ड होना चाहिए क्योंकि हमें इसे कंज्यूम करना है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये 1 से 2 बूंद काफ़ी है। अब मैं इसे क्लीन करूँगी इस तरह से। तो आप भी इसी तरह से डालें और दूध के पैकेट के जो सरफेस हैं उनको क्लीन करें अच्छे से। अब हम इन पैकेट्स को अच्छे से क्लीन करके निकाल लेंगे इस पानी से। ये देखिए, इस तरह से आप सारे पैकेट्स को निकाल लें। आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं और डायरेक्ट साफ़ पानी में डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे दिखाया है आपको ताकि अच्छे से चीज़ें क्लियर रहें। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस इन पैकेट्स को पानी में डाल देना है, एकदम साफ पानी में, ताकि जो भी इस पे वायरस बैक्टीरिया लगे हैं वो इसी पानी में रह जाए। तो ये देखिए, मैं इस तरह से इन सारे पैकेट्स को इसमें डाल दूंगी और इसको इसी में छोड़ दूंगी 1 से 2 घंटे के लिए। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे अभी बॉईल कर दें, नहीं तो आप इसे इस तरह छोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा। अगर आप चाहें तो इसे 1 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब मैं एक एक करके दूध के पैकेट्स लूंगी, उसे कट करके डालूंगी इस बड़े से पतीले में। आप ध्यान रखिए, जब भी आप दूध उबालें उसे एक बड़े से पतीले में ही उबालें ताकि वो अच्छे से बॉईल हो जाए। और ये जो एम्प्टी पैकेट है इसे डिस्कार्ड कर दें, फेंक दें, बिल्कुल भी ना रखें। मैंने अपने हाथों को फिर से एक बार धो लिया है। अब मैं इस दूध को उबालूंगी अच्छे से। यहाँ मैं दूध को उबाल रही हूँ गैस पे। ये देखिए, यहाँ पे मैं 2 बार दूध को उबालूंगी, जब तक ये वो 2 बार नहीं अच्छे से उबल जाता, क्योंकि हमें इसे हेल्दी, सेफ और टेस्टी घी बनाना है। यहाँ देखिए, ये दूध ऊपर आ गया है और मैं इसे अच्छे से चला दूंगी, इसे अच्छे से मिला दें ताकि ये अच्छे से मिल जाए और ये बहुत अच्छा टेस्ट दे। तो इस तरह से मैं इसे मिला दी हूँ ताकि ये अभी नीचे अच्छे से बैठ जाए फिर से, क्योंकि हमें इसे फिर से बॉईल करना है। यहाँ पे मैं गैस की फ्लेम और तेज कर दूंगी ताकि फिर से अच्छे से एक बार और बॉईल हो जाए। ये देखिए, दोबारा ये बॉईल हो रहा है। यहाँ भी मैं अच्छे से इसे चला दूंगी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे 2 बार क्यों उबाला, तो आप 2 बार क्या, आप इसे 3 बार भी उबाल सकते हैं। 3 बार उबालने से क्या होगा, ये गाढ़ा हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इसे ढक दें जाली से ताकि इस पर कोई भी डस्ट या कीड़े ना गिर जाए। या फिर अगर आपके पास जाली नहीं है तो इस तरह से कोई प्लास्टिक का भी आइटम ले सकते हैं, इसको भी इस तरह से ढक सकते हैं इस पर। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई स्टील की प्लेट भी ले सकते हैं, इससे भी इस दूध को ढक सकते हैं। लेकिन स्टील की प्लेट में आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ी सी जगह छोड़नी है ताकि इसमें से एयर पास हो जाए और इसमें जो दूध है वो अच्छे से ठंडा हो जाए और अच्छी सी मलाई बन जाए। तो यहाँ पर ये दूध अच्छे से हेल्दी, वेल्दी और टेस्टी बन गया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इसे ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।